जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कायदे आजम जिंदाबाद है अब वो ईद के पहले दिन रिलीज़ नहीं की जाएगी, अब वो ईद के पहले दिन के बजाय जुम्मे वाले दिन रिलीज़ की जाएगी। उसकी रिलीज़ डेट आगे कर दी गई है। तो जो सब्सक्राइबर्स हैं वो पूछ रहे थे कि जो लंदन नहीं जाऊंगी कि न्यू रिलीज़ डेट क्या है, कि इस मूवी को भी आगे पोस्टपोन किया गया है, इस मूवी का बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन, इस मूवी में कितने कट लगे हैं, ये सब कुछ ही आज हम आपको इस मूवी में बताएंगे। तो फ्रेंड, जो मूवी आ रही है पंजाब नहीं जाऊंगी, इसकी एक्साइटमेंट बहुत ही कम है लोगों में, क्योंकि ये सीक्वल है पंजाब नहीं जाऊंगी का, सीक्वल है लंदन नहीं जाऊंगा। तो ये इस मूवी के सारे करेक्टर्स वही हैं इस मूवी का, जो इस मूवी के सारे करेक्टर, सारे सॉन्ग और सारी पहले वाली वाइब्स आ रही हैं। तो इस मूवी की जो एक्साइटेड है बहुत ही कम है। कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद एक एक्शन और रिएक्शन फिल्म है, तो उस मूवी को ज़्यादा बेनिफिट मिल गया है, वो मूवी ज़्यादा कलेक्शन कर सकती है। शायद लंदन नहीं जाऊंगा से कायदे-ए-आज़म थोड़ा पीछे रह जाए, लेकिन लंदन नहीं जाऊंगा एक बहुत ही बड़ी ओपनर साबित होने वाली है, क्योंकि इसको पिछली सारी ही मूवी से बड़ी जो रिलीज़ मिलने वाली है, इसको बहुत ही ज़्यादा स्क्रीन पर वर्ल्ड वाइड में रिलीज़ किया जाने वाला है। तो कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद जो है इनको बेनिफिट मिलेगा वो आगे कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, जो इसका रिलीज़ डेट है वो चांद रात को 6 बजे के बाद पाकिस्तान में लंदन नहीं जाऊंगा के शो ओपन होना शुरू हो जाएंगे। आप चांद रात को या ईद के पहले दिन कभी भी इस मूवी को जाकर देख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो फ्रेंड्स, आप किस मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़